કોંગ્રેસ થી છેડો ફાડ્યા બાદ હાર્દિક પટેલે આજે કમલમ ખાતે કેસરિયા કર્યા હતા। આ દરમિયાન હાર્દિક પટેલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ ને પણ સંબોધન કર્યું હતું અને આ દરમિયાન જ્યારે પત્રકારો એ હાર્દિક પટેલ ને સવાલ કર્યા તો હાર્દિક પટેલ ભડક્યા હતા। તમે પણ જુઓ હાર્દિક પટેલ નું આ વર્ઝન। નમસ્કાર, હું નીલમ ખારેચા, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક। આંદોલન કા ક્યા હો કોન સા આંદોલન 19 2 निर्णय का ही सच बताओ, जब आप सवाल करते तो आप लोगों को ये लगता है कि हार्दिक उसी रीत में क्यों जवाब देता है। अरे पर जवाब तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, सवाल करके जवाब तो सुनिए। आपके पहले आपके नॉलेज के लिए जब आप सवाल करके वापस से एनालिसिस होना चाहिए निर्णय भाई। मैं उसी रीत से जवाब दे रहा हूँ कि मैं 2019 में जनवरी में आंदोलन छोड़ चुका हूँ और कन्वीनर अल्पेश कथीरिया है, वो आपके नॉलेज में होना चाहिए बहुत, और इसीलिए मैं पार्टी ज्वाइन किए थे। और सवाल रही आंदोलन आरक्षण के लिए था, जो 10% रिजर्वेशन मिल गया उसके बाद आंदोलन का हिस्सा मैं नहीं हूं, ये पहली बात। और अब बात रही, बात सुन नहीं सकते आप निर्णय भाई, मैं बोल रहा हूं। मैंने पहले मेरी प्रेस में क्या मैंने कहा कि जिन परिवारों को रोजगार देने की जहां तक बात है उसमें मुझे भरोसा है कि सरकार की ओर से मिलेगा, और जब तक उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तब तक उन परिवारों को वैकल्पिक रूप से रोजगार देने का फैसला हम लोगों ने कर दिया। आदित्य, आपने ट्वीट किया था कि सुबह जो देशद्रोही होता है अगर शाम को बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो राष्ट्रप्रेमी हो जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कोर्ट के भीतर मेरे केस चल रहे हैं, और जब कोर्ट उस मामले में फैसला करेगा, चाहे वो मुझे निर्दोष छोड़े या कोई और फैसला, उसको हमने स्वीकार किया। इसी गुजरात की कोर्ट ने हमें 2 साल की सजा दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पे रोक भी दिया। तो पहली बात यह है कि कानून की प्रक्रिया में हम कभी भी टिप्पणियां नहीं करते। हमें भरोसा है कि हमने सही काम किया है, जनहित के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम निर्दोष भी हो जाएंगे। मैं राष्ट्रप्रेमी हूँ, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, और राष्ट्रहित के लिए हम पहले भी लड़ते हैं, बोलते हैं। हमने तो और हम पर जो आरोप लगे वो अभी तक साबित नहीं हुए, वो कोर्ट में चलो। आपके नॉलेज के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई है अभी कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होगी तो देश भर में या देश के कहीं भी कोने में जो राजद्रोह के मामले लगे उसको रोक दिया गया। अरे मैं पहले भी देशभक्त ही था, हम पहले भी देशभक्त थे। जो आपने हमारा वीडियो पसंद आवे हो तो लाइक और शेयर करवानु भूलता नहीं, साथ ही तमाम पॉलिटिकल खबर माटे जोता रहो गुजरात तक।